हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लगभग बज चुके हैं सुबह के 8। मैं इतना जल्दी क्यों उठा हूँ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर यही चालू रहेगा तो क्या ही सो पाऊँगा मैं। हर रोज़ का सुबह का ऐसा ही है। मैं खुद नहीं उठता, ये लोग मुझे उठा देते। भाई देवे, आज दिन है तीसरा। अभी उठ चुका हो तो उठ जाता हूँ और फ्रेश होता हूँ और निकलते अपने शॉप पे। तो फाइनली गाइज, अब हम रेडी हो चुके हैं शॉप को जाने के लिए। तो फर्स्ट मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने मेरा जो ख़राब हेलमेट था उसको मैंने वापस से सब धो वो के रेडी कर लिया है। इफ़ पॉसिबल हुआ तो आप भी ड्राइव करोगे तो हेलमेट पहन के ही ड्राइव करना, क्योंकि विदाउट हेलमेट चालान बहुत ज़्यादा कट रहे हैं और सेफ्टी के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप भी हेलमेट लगा के पहन के, मतलब कहीं पर भी जाओगे तो हेलमेट लगा के ही जाना। तो अभी हम निकलते शॉप के लिए, देखते। बहुत ज़्यादा लेट हुआ है क्योंकि मालूम नहीं क्या हुआ, लेकिन पैर को कुछ तो हुआ। सूजन चढ़ी 3 दिन से, समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। चलो देखते क्या करना है क्या करना नहीं है। और कल और एक अलग दिखेगा आपको हेलमेट के ऊपर से ही। कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगेगा उस पर, वो कल ही बता दूंगा मैं आपको। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं सैलून में और 2 पार्सल भी आके रुके थे, मैंने देखा नहीं था। मे बी दीदी ने या फिर मेरी फ्रेंड ने मंगाया रहेगा। दिखा देता हूँ आपको भी। ये सोल मंगा के रखे थे और ये कुछ हील पेन का है, ये भी मंगा के रखा था क्योंकि मेरे को थोड़ा हील पेन का तकलीफ है ना पैर के लिए। लाइक बहुत टाइम तक खड़े रहना पड़ता है तो फिर तकलीफ होती है हील्स में बहुत ज़्यादा। तो हील पेन मतलब वो वैसे ही पैर के ऊपर पहनने का और उस फिर शूज़ पहनने का थोड़ा सा तकलीफ कम हो जाता है। आपके भी घर पे मम्मी या पापा को पैर का तकलीफ रहेगा तो हील पेन मंगा लो आप, बाय करके अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन मंगा लो और वो यूज़ करने बोलो। उससे पैर की हड्डी भी बढ़ गई रहेगी, या फिर हील्स में पेन होता है बहुत ज़्यादा तो उससे रिलीफ बहुत मिलता है। इफ़ पॉसिबल हुआ तो आप वही ट्राई करने बोलो, आपके फैमिली को भी, आपको खुद को भी रहेगा वो प्रॉब्लम तो वही ट्राई कीजिए। अभी तो पहुँचे हैं जस्ट, अभी मौसी तो अभी तक आई हुई नहीं दिखती है क्योंकि सब कचरा वैसे ही का वैसा ही पड़ा हुआ है। तो देखते, पहले तो जाते हम लोग, हर रोज़ की तरह चाय बनाना है मुझे, पहले जाके चाय पीना है कड़क कड़क। तो चाय पीने के बाद हम बात करते हैं। और मैंने थोड़ा सोचा कि कल की जगह मैं आपको आज ही बता देता हूँ कि हेलमेट के ऊपर क्या आने वाला है क्या नहीं, वो आज ही रिवील कर देता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, वो कल देखने मिल ही जाएगा आपको वैसे। तो चलो देखते हैं। सो गाइज, अपना कुछ तो इस तरह का कुछ हेलमेट मैंने प्रिंट करवा के रखा है। तो ये बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था कि पूछो ही मत गाइज, बहुत ज़्यादा उसका कुशंस वगैरह बहुत ख़राब हो गए थे। तो मैंने धो के रखा था तो सूखने के लिए बहुत टाइम गया। और मैंने देखा, एक दोस्त बोल रहा था उसको ऑनलाइन मतलब पावती आई घर पे फ़ोन पे, उसको कुछ तो फाइन पड़ा विदाउट हेलमेट का। तो मैंने सोचा कि यार कर लेते। और उसी के साथ साथ मेरे पास आज वो मतलब बता देता हूँ मैं, गोप्रो जैसा सेटअप है मेरे पास। हीरो नहीं, इसका अभी नाम याद नहीं आ रहा मुझे, आप पिछले शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो, माउंट लगाया हुआ है, वो माउंट अपने पास है। तो मैं सोच रहा हूँ कि करते करते उसी के साथ साथ मोटर व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूँ, मतलब कुछ एडवेंचर भी देखने मिल जाएगा आपको, तो ज़्यादा बेस्ट है मेरे लिए।